जय शनिदेव प्रिय भक्तगणों, मैं आज उन्हें उपस्थित हुआ हूँ आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। साथ ही साथ आज आपको बताने वाला हूँ आपका बॉस अगर आपको परेशान करता है तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं तो कैसे कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सबको अंत तक जानने के लिए आप आज का यह राशिफल अंत तक अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव प्रिय भक्तगण, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आज के ग्रह नक्षत्र सितारे। प्रिय भक्तगण, आज है 23 अप्रैल सन 2021, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, विक्रम संवत 2078 की बात कर रहे हैं हम, और परमपिता परमात्मा की जो द्वार खुलने वाले हैं वो समय रहेगा 12:20 से लेकर 1:50 तक। इस समय विशेष पर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आज का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहने वाला 11:53 से लेकर 12:46 तक। इस समय विशेष पर आप अपने सभी प्रकार के शुभ कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि करते हैं उनके लिए जो समय रहने वाला है वो समय रहेगा 10:42 से लेकर 12:20 तक। ये रात्रि का समय है या फिर 3:36 से लेकर 5:14 तक ये दोपहर का समय है। इस समय पर आप अपने जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म इत्यादि कर्म प्रारंभ कर सकते हैं। आज सूर्य देवता, बुध देवता और शुक्र देवता तीनों ही ग्रह मेष राशि में विराजमान रहेंगे। राहु महाराज वक्री चाल चलते हुए वृष राशि में विराजमान है, मंगल देवता मिथुन राशि में विराजमान है, आज चंद्र देवता सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, शनिदेव अपने स्वयं के घर मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और यहाँ बैठकर ये सारे ग्रह हमारे और आपके अपने अपने कर्मों के आधार पर हमें सुख और दुख प्रदान करते हैं, न वो इसमें कमी करते हैं न वृद्धि करते हैं, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही वो फल प्रदान करेंगे। किसी कारणवश अगर हमें इस जन्म में उन फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का जो घड़ा है यानी पाप और पुण्य का जो कुंभ है वो भरता नहीं है तो छलकेगा नहीं, और छलकेगा नहीं तो हमें फलों की प्राप्ति नहीं होगी। तो उस ऐसी स्थिति में वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं और अंततः कहीं कोई व्यक्ति राजा जैसे परिवार में जन्म लेता है अपने अच्छे कर्मों के कारण, तो वही कोई दूसरा व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण भिखारी जैसे परिवार में जन्म पाता है, कोई व्यक्ति हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बालक के रूप में जन्म लेता है तो कोई बीमारियों से ग्रसित होकर दिव्यांग बालक के रूप में अपंग बालक के रूप में जन्म के साथ ही परेशानियों को भोगता है। यही तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है जिसे हम जान के भी आंख मूंद लेते हैं। 100 बार सोचिएगा कोई भी बुरा कर्म, चाहे वो देशद्रोह का हो, भ्रष्टाचार का हो, किसी को किसी प्रकार से सताने का हो, दुख देने का हो, किसी का बुरा करने का हो, मिलावटखोरी का हो, नशे का व्यापार करने का हो, अंततः उसके जो परिणाम है सिर्फ और सिर्फ हमें भोगने पड़ेंगे, उसमें हमारा कोई साथी हो ही नहीं सकता। प्रिय भक्तगणों, कोरोना की इस महामारी में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना आपका परम कर्तव्य है। जरा सी लापरवाही आप करने से आप स्वयं ही नहीं अपने परिवार की जान को भी खतरे में डालते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कोरोना के ऊपर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो या तो वो आज या फिर वो कल पब्लिश करने के लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं, जिसमें आपको
कोरोना से बचने के लिए बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, सूर्य बुध और शुक्र का तीनों का ही आपने राशि में आकर बैठ जाना, तीनों ही आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। किंतु परिवारजनों से झगड़ा करने का प्रयास मत करिएगा, आपका बाहुबल निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ माता का आशीर्वाद आपके बहुत काम आने वाला है, माता का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं निश्चित रूप से, विशेषकर वो स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और अपने रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उन लोगों को कोई शुभ सूचना प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है मेष राशि वालों को। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपनी खुद के बूते पर जो कर सकते हैं बेस्ट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आप अपना खुद का कैरियर का निर्माण कर सकें। आपका जीवन साथी आपके जीवन में रोमांस का इनपुट पूरी तरह दे सकेगा, किंतु जिन लोगों के पास अभी तक जीवन साथी ही नहीं है, जिसने अभी तक शादी के लड्डू ही नहीं चखे हैं, उनको संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि इस समय जो रिश्ते की बात चल रही है, अगर वो पूरे जोर शोर से की जाए तो वो शादी में मैच्योर हो सकती है। साथ ही साथ आपके भाग्य के देवता का आमदनी के घर में बैठ जाना आपको आमदनी में वृद्धि का अवसर प्रदान करेगा, और आपके कर्मेश यानी शनिदेव महाराज की पूरी पूरी कृपा आपके कार्यस्थल पर, आपकी नौकरी पर, आपके व्यापार पर बनी हुई है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के पास अभी तक अपना खुद का ऑफिस नहीं है, शोरूम नहीं है, गोडाउन नहीं है, दुकान नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ऐसे सभी लोगों के लिए एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपना खुद का ऑफिस, शोरूम, गोडाउन इत्यादि खरीदने में समर्थ हो सके। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की परेशानी है तो वो बिना किसी चीज के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे छोटे से उपाय करके लाभ उठा सकता है और अपना खुद का दुकान, शोरूम, ऑफिस, गोडाउन इत्यादि खरीदने में समर्थ हो सकता है। साथ ही साथ आमदनी के और प्रमोशन के पूरे पूरे अवसर बन सकते हैं, आप लाभ उठाइएगा। इस समय का समय आपके फेवर में है मेष राशि वालों। साथ ही साथ जो योग योगियां प्रेम संबंधों में थे तो उनको भी अपने प्रेम संबंधों में मजबूती का एहसास होगा और वो अपने प्रेम संबंधों में कुछ अच्छा कर सकेंगे, कुछ क्रिएटिव कर सकेंगे और जो उनको खुशियां दे सकेगा। बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति कुछ उलझने हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और आपको उलझनों से बाहर निकलने का मौका नहीं देंगी। आपके आत्मबल में लगातार कमी के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, किंतु परिवारजन आपको भरपूर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहनों के साथ या माता के साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है, मगर कोरोना की इस महामारी में जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। जो स्टूडेंट हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे वृष राशि वाले, उन सभी को निराशा हाथ लगेगी। यहां मैं आप सभी लोगों से बार बार कहता हूं, आज फिर से दोहराता हूं कि आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप एक नजर कम से कम इस बात पर तो डाल लीजिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, या कोई अगर बाधा आ रही है सरकारी नौकरी प्राप्ति करने में तो उस बाधा को दूर तो कर लीजिए, तभी तो आप सफलता की उच्चतम स्तर पर पहुंच सकेंगे अपने जीवन में। यहां पर बात करूंगा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आपके परिवारजन इसमें आपकी मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे। उनकी मदद से आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों को, जो अशांति आपके पारिवारिक जीवन में घुस के आ गई है, उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन लोगों के पास अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए चांस बनता हुआ नजर आ रहा है कि वो परिवारजनों की मदद लेकर शादी के लड्डू चखने का या रिश्ते की बात को मैच्योर करने का प्रयास करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा आपके भाग्य के देवता का, भाग्य में बैठा होना निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचा रहा है। बृहस्पति देवता आपके कार्यस्थल पर बैठकर, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अपना पूरा पूरा आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ आमदनी के देवता जब आपके कर्म स्थल पर आकर बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने कार्य के, व्यापार के या नौकरी के विस्तार की योजना बनाता है,
या कुछ नया करने का प्रयास करता है अपने कर्मों के आधार पर, तो उस पर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ फालतू के इन्वेस्टमेंट से बचने का अवश्य प्रयास करिएगा, क्योंकि खर्चे वाले घर में जब हम देख रहे हैं तो काफी सारे ग्रहों का इकट्ठा हो जाना हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि विभिन्न चीजों पर आपके खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें, वरना आप कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं। और ऐसे सभी व्यक्ति जो ऑलरेडी कर्जों के दलदल में फंसे हुए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपने भाग्य को मजबूत करते हुए अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ना लें, क्योंकि वो कभी चुकेगा नहीं फिर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय न सिर्फ आपको मजबूत करेंगे, आपकी आमदनी वृद्धि करने में आपको मदद करेंगे, जिनके बलबूते पर आप आगे चलकर अपने कर्जों को चुकाने में समर्थ हो सकेंगे और नए कर्जों की जरूरत से दूर हट सकेंगे। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। आपके प्रेम संबंधों में जो भी आपकी बातचीत चल रही थी, वहां पर आपको परेशानी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके लाभ उठा सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों में मजबूती ला सकते हैं। बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। आपका क्रोध आप ही के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें। परिवारजनों के साथ कोई यात्रा की संभावना बन सकती है, मगर कोरोना काल इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं देता। साथ ही साथ बात करूंगा स्टूडेंट्स के बारे में। माता का आशीर्वाद लेकर आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। साथ ही साथ जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकार की नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू, सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट जैसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। तो इस शुभ अवसर का लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करिएगा। यहां आपके शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, शत्रुओं से सावधान रहिएगा। और बात करते हैं आपका जीवन साथी के बारे में। आपका जीवन साथी आपके भाग्य में बैठकर आपको लाभ पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेगा, आपके भाग्य को मजबूत करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। और जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं हैं, तो उनको उनके भाग्य के बूते पर जीवन साथी प्राप्त होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जो शादी के लायक है। साथ ही साथ आपके नौकरी या व्यापार के मालिक का भाग्य में बैठ जाना हमें ये बता रहा है कि आप अपने बूते पर अपना भाग्य बनाने में समर्थ हो सकते हैं, प्रयास तो कीजिए। साथ ही साथ आमदनी के हालात निश्चित रूप से आपके लिए शुभता प्रदान करने वाले हैं, अच्छे हैं, आपको खुशियां देने वाले हैं। और जो थोड़ी सी चिंता है, जो छोटी छोटी बातों की आपको चिंता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा। अपने राशि के रत्न की अंगूठी और अपने भाग्य के रत्न की अंगूठी सदैव धारण करिएगा, क्योंकि शनि भगवान जब अष्टम हो जाते तो निश्चित रूप से आपको कमजोर करते हैं। साथ ही साथ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंध आपके जीवन में खुशियां घुलती हुई नजर आ रहे हैं, उन संबंधों का लाभ उठाने का प्रयास कर अपने जीवन में खुशियां घुलने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि यात्रा की संभावना बनती नजर आ रही है, मगर जो भी करें सोच समझ के करें, कोरोना काल है, ये किसी को बकश नहीं रहा है, तो सावधान रहिएगा। और यहाँ परिवार जनों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माँ बाप बहुत फोकस करें इस बात पर। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे उनका अच्छा कैरियर आप बना पाएंगे? तो अपने बच्चों के अच्छे कैरियर बनाने के लिए आप हमारे गारंटी वाला उपाय, जिसमें हम गारंटी देते हैं कि आपके बच्चे के न सिर्फ हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, अभी तो उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं, उन उपायों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूं उन सभी युवक युवतियों के बारे में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू, सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता जैसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो
मनचाहा प्रमोशन, इंगेजमेंट, ट्रांसफर आपको खुशियां दे सकता है। तो इस समय का लाभ उठाकर अपने जीवन में खुशियां बोलने का भरपूर प्रयास करिएगा। बात करता हूँ आपका जीवन साथी अगर नहीं है तो उसके आने के चांस बने हुए हैं, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा तो आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियां घोलने का भरपूर प्रयास कर रहा है। किंतु भाग्य के देवता का अष्टम हो जाना निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। तो आप अपने राशि रत्न के और भाग्य के रत्न की अंगूठी सदैव अपनी जन्म कुंडली के अनुसार धारण कर लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। यहां पर बात करते हैं आपकी आमदनी में बैठे हुए राहु महाराज कहीं आपकी आमदनी में रुकावट न डाल दें, इस बात के लिए विशेष रूप से राहु महाराज से प्रार्थना करिएगा और राहु महाराज की विधि विधान के साथ पूजा करके लाभ उठाइएगा। अगर आपके पास उनका विधि विधान नहीं है राहु महाराज का तो आप हमें हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ईमेल के माध्यम से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट ये विधि विधान प्राप्त कर सकते हैं। जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में हैं तो उनके प्रेम संबंधों में झगड़े और उलझनों खड़ी हो सकती हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। यहां बात करना चाहता हूं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्ति आपके लिए भी एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है यात्रा का, किंतु हालात हमें यात्रा के अवसर नहीं दे रहे। कोरोना का यह महामारी इजाजत नहीं देती हम घर से बाहर भी निकलें, और इसीलिए हमारी सरकार ने भी यहाँ लॉकडाउन लगाकर हमें रोकने का भरपूर प्रयास किया है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके माता के बारे में। माता के क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा। माता का क्रोध अनावश्यक रूप से आपको परेशान ना कर दे, तो इसलिए उनका आशीर्वाद लेकर उनके क्रोध को दूर करिएगा। उनके चरणों को स्पर्श कर उनके क्रोध को दूर करने का प्रयास करिएगा। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो सिंह राशि वाले आप समय है, आप अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मौके पर चौका मारने का ये अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। घर में आप घर वालों को बताइएगा अपने प्रेम संबंधों के बारे में, और बताइएगा उनसे शादी करना चाहते हैं। तो ये समय आया हुआ है, इस समय का शुभ लाभ अगर लाभ आप नहीं उठाएंगे तो फिर बाद में हाथ मलने के सिवा कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके जीवन में कोई उनकी धार्मिक कार्यक्रम होने की संभावना बनती नजर आ रही है, मगर आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल करने का अवश्य ध्यान रखिएगा। जिन लोगों की रिश्ते की बात चल रही थी वो खराब होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है, किंतु भाग्य में बैठे हुए तीन तीन ग्रह आपके लिए खुशखबरी लाए। नौकरी, प्रमोशन, एंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता इत्यादि की संभावना बनती हुई नजर आ रही। तो इस समय का लाभ उठाकर आप अपने भाग्य को चमकाने का प्रयास करें। भाग्य में बैठे हुए देवताओं से आशीर्वाद लेते हुए सरकारी नौकरी, प्रमोशन, एंगेजमेंट या सरकार से कोई अन्य प्रकार का बेनिफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। मगर यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि आपके कर्म स्थल पर, आपके घर पर, दोनों ही जगह पर आपके शत्रु आपका नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, इससे सावधान रहें। साथ ही साथ भाग्य के मालिक का आमदनी में आकर बैठ जाना आपकी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है, तो उस सब का लाभ उठाने का प्रयास करें। यहाँ पर बात करूंगा कन्या राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाली व्यक्ति जैसा कि आपका समय है, आपका अपना ग्रह अष्टम हो जाने की वजह से आपको अपने आत्मबल में काफी कमी महसूस करेंगे, कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं जीवन में, अचानक से जो परेशानियां उभर कर सामने आएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर बात करना चाहता हूँ मैं आपके माता का भी आपको ख्याल रखना है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, अपने जीवन साथी का भी ख्याल रखिएगा, उनको भी परेशानी होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। जो स्टूडेंट्स हैं वो निश्चित रूप से अगर फोकस करें अपनी पढ़ाई लिखाई में तो अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंटों से यही कहना चाहूँगा कि अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाएं। अगर आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है या मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो बिना किसी चीज के आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं, और गारंटी से हर साल पहले से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और मन को भी गारंटी से ही पढ़ने में लगा सकते हैं। हमारे संतों ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे फॉर्मूले खोजे थे अपनी अद्भुत तपस्या के बल पर। वो फॉर्मूले
आपके पूर्वजों की श्रुति और स्मृति यानी कि कहीं से सुना और किसी को बताया, यानी एक जगह वो सुन के आते थे कोई अच्छी बात किसी संत महात्मा से, उसे 100 जगह जाकर लोगों को बताते थे। उसकी वजह से वो सदियों तक ट्रेवल करते हुए श्रुति और स्मृति के माध्यम से जाकर हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित हुए। और आज आप सभी का यानी इस पूरी दुनिया के लोगों का भला कर रहे हैं। 133 देशों के लोगों को तो मैं स्वयं ही समय समय पर जब वो अपनी परेशानी के लिए मुझसे संपर्क करते तो उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आप भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इस ज्ञान की चर्चा जरूर अपनी सभी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो किसी भी प्लेटफार्म पर क्यों ना हो, अवश्य करें, क्योंकि आपका कर्म है अपने सनातन धर्म को विश्व गुरु बनाना। बहुत आशा की नजर से पूरी दुनिया के लोग सनातन धर्म को देखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि सनातन धर्म से हमको फायदा होगा, और निश्चित रूप से उनको फायदा होता भी है, लेकिन कुछ फ्रॉड और ढोंगी और पाखंडियों की वजह से हमारा सनातन धर्म बदनाम भी होता है। तो ऐसे सभी लोगों और लंपटों पर अंकुश लगाने के लिए आपको सनातन धर्म के जो अच्छे वीडियो हैं उनको बार बार अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना होगा, ताकि ये ज्ञान जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही ढोंगी और पाखंडियों से आप बढ़ सकेंगे। हालांकि मैंने भी ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के ऊपर अभी रिसेंटली लगभग एक महीना पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको तुरंत ही पता चल सकता है कि बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि कैसे हम ढोंगी और पाखंडी बाबाओं से बच सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि बाबा ज्ञानी है या ढोंगी और पाखंडी है, खाली बातें बनाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर रहा है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करके आप इस ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइएगा। आपको नहीं पता कि आपके ही परिवार का, आपके ही कोई रिश्तेदार आपकी मेहनत की कमाई को इन ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के ऊपर लौटा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना मनोरथ सिद्ध करके आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है कि, और यहाँ पर जो युवक युवतियाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तो उनको निराशा हाथ लगेगी। मैं ऐसे सभी युवक युवतियों से बार बार कहता हूँ, आप लोग घुस के डेर में लट क्यों जा रहे हैं? आप पहले एक बार चेक क्यों नहीं कर लेते कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और अगर कोई कमी है तो उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर इस विषय में हमसे चर्चा कर भी लाभ उठा सकते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य में बैठे हुए राहु महाराज आपका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं भाग्य का, सावधान रहिएगा। किंतु कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा करने का प्रयास करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आमदनी के लिए की जाने वाली यात्रा कहीं परेशानी ना खड़ी कर दे, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा, हर व्यक्ति कोरोना से के आतंक से ग्रसित है। तो सावधान रहें, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। Hello, my name is Nicole. I'm from Florida, Miami, and I came here for the power course with Guru Sri Rajneesh Ji and Guru Maa Rukmani. I've been here for 30 days, and I got more than I bargained for. There are many gurus, many teachers, and we spend a lot of time and money and energy. We don't really know which one to choose or where to go to get the truth. And I'm glad that I can tell you to come to Shanipith, because the teaching is going to be, could be very fast. It's genuine and we do get results. So there's no doubt that all these years of searching, I came to the right place and with the right masters. यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति अपने परिवारजनों से क्रोध करने से बचें और
माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा। जिन लोगों के पास अभी तक अपना खुद का मकान नहीं है, माता का आशीर्वाद उसमें उनकी मदद कर सकता है और उनको किराएदारी के झंझट से मुक्ति दिला सकता है। फिर भी जो लोग अपना मकान न होने के कारण या अपना ऑफिस शॉप दुकान या गुनाउन न होने के कारण परेशान है, किराया दे देकर दुखी है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके अपने उन पर्टिकुलर ग्रहों को और उन पर पड़ने वाली बुरी दृष्टियों को कंट्रोल करके शीघ्रता से अपने खुद के मकान दुकान शोरूम गोडाउन या कार या मोटरसाइकिल खरीदने की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं अगर अपनी माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो कुछ वो पढ़ेंगे आज माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ तो वो आने वाली एग्जाम में उनके काम आ सकता है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई अन्य बेनिफिट, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता, मनचाहा प्रमोशन ट्रांसफर के अवसर बन सकते हैं। समय पर लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करिएगा। यहाँ पर बात करता हूँ उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रहे हैं, तो उनके लिए जो रिश्तों की बात चल रही है वो उनके भाग्य की वजह से मैच्योर हो सकती है। भाग्य के देवता उन पर मेहरबान होकर उनको आशीर्वाद दे सकते हैं और आपके रिश्तों की बात शादी में कन्वर्ट हो सकती है, तो इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। यहाँ पर बात करूँगा उन सभी युवक युवतियों के बारे में जो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उनके जीवन में उनका जीवन साथी उनके भाग्य को मजबूत करने में अवश्य ही मदद करेगा और उसकी वजह से उसको लाभ की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल को लेकर एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, मगर जो भी करें सोच समझ कर करें। कोरोना किस काल में कोई भी खतरा मोल न लें, अपने और अपने परिवार के लिए सावधान रहें। यहाँ बात करूँगा आपका अपना ग्रह जीवन साथी के घर में बैठ कर आपके जीवन साथी के साथ रोमांस का अनुभव करेगा, खुशियों का अनुभव करेगा, ये एक अच्छी बात है। आप इस समय का लाभ उठाकर अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करिएगा। जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में हैं, तो उनके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा, उनको खुशियां देने वाला होगा। और अगर वो अपनी माता से अपने प्रेम संबंधों की चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं तो अवश्य ही उनको लाभ की प्राप्ति होगी उनके प्रेम संबंधों के मसले में। यहाँ पर बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जैसा कि समय चल रहा है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपका क्रोध आपके लिए अनावश्यक रूप से परेशानी का कारण ना बने, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका जो बाहुबल है निश्चित रूप से आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला है, माता का आशीर्वाद भी आपके लिए मंगल करने वाला है, आपको लाभ पहुंचाने वाला है, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट हैं अगर माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से वही सवाल उनको आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे जो उन्होंने माता का आशीर्वाद लेने के बाद पढ़ाई में याद किए हैं। किंतु जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उन सभी लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। ऐसे सभी युवक युवतियों से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। बार बार जब आपकी मेहनत विफल हो रही है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मगर वो किसी काम नहीं आ रही है और आपको निराशा हाथ लग रही, तो उस निराशा के दामन को परमानेंटली अपना मत समझ लीजिएगा। उन कारणों को तलाशिएगा जो परम सत्ता के बनाए हुए कारण है, कि क्या कारण है जो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां बोल सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी की क्यू में ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली और जन्म कुंडली नहीं है तो आपके चेहरे को देखकर ये उपाय आपको बताए जा सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर अपने अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अगर आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो वो खराब होने की पूरी पूरी संभावना इस समय पर बनी हुई है। यहाँ पर बाहर निकलते समय एक्सीडेंट इत्यादि का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, पूरी पूरी संभावना बनी हुई है कि आप किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। सावधान रहें, यात्रा से बचने का भरपूर प्रयास करें। भाग्य के देवता आपको
धागे में बैठकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, किंतु कार्य को लेकर भी कोई यात्रा की संभावना बन सकती है। मगर जो भी करें कोरोना के इस काल में सावधान होकर करें, आपको परेशानी ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखें। आपकी आमदनी खराब होने की संभावना बनी हुई है। आमदनी के देवता बीमारी के घर में बैठकर आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर रहे हैं। छुआछूत से संबंधित बीमारी, लंग्स की प्रॉब्लम, इम्पोटेंसी जैसी समस्या आपको ग्रसित कर सकती है, अपनी आगोश में ले सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहिएगा। और जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में हैं, वो अपने प्रेम संबंधों में अपनी माता का आशीर्वाद लेकर माता से चर्चा करके अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको अवश्य उसमें मदद मिलेगी। अगर जो युवक युवतियां ऐसा नहीं कर सकते तो वो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे चर्चा करके अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां बोल सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूँ धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना क्रोध जो है अनावश्यक रूप से कहीं आप ही के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए, तो अपने क्रोध पर अवश्य कंट्रोल करिएगा। परिवारजनों का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपका बाहुबल आपके साथ है, आपके भाई बहन आपको सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। आपका माता का भी आशीर्वाद पूरी तरीके से आपके साथ है, भाई बहनों के साथ मिलकर। और जो स्टूडेंट हैं वो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने करियर में, उसके लिए वो प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता उनको अवश्य प्राप्त होगी। और साथ ही साथ वो सभी युवक युवतियां जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता, कंप्लीट एग्जाम में सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट, ये जो ऑलरेडी नौकरी में है उनको मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन मिलने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने बॉस से परेशान है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, उनका जो बॉस है, जो भी व्यक्ति अपने बॉस की दादागिरी से परेशान है, अपने बॉस की गुंडागर्दी से परेशान है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा अपने बॉस की गुंडागर्दी और दादागिरी से बचकर लाभ उठा सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों से। किंतु इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप निकम्मे कर्मचारी और आप बॉस आपको डांटता है तो आपको अपनी आदतों में सुधार करना है, अपने बॉस को नहीं कंट्रोल करना है, ये चीज आपके ऊपर काम नहीं करेगी। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए समय मौका है कि वो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर शादी के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। उनके लिए अच्छा चांस आया हुआ है कि वो अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट कर सकें, तो इस समय का लाभ उठाने का वो प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं आपकी अपनी जी, अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा। आपका जीवन साथी का क्रोध आपके लिए कहीं भारी ना पड़ जाए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। यात्रा की संभावना जो बनती हुई नजर आ रही है, सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। कोरोना के इस महाकाल में जहाँ कोरोना किसी को बख्श नहीं रहा है, ना अमीर को, ना गरीब को, ना राजा को, ना प्रजा को, किसी को नहीं बख्श रहा है, आप तो जो भी करें सोच समझ कर बहुत सावधान होकर करें। और हमारा कोरोना से संबंधित कि कोरोना से कैसे बचें, ये वीडियो कोशिश कर रहे हैं हम एक दो दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा, तो उस वीडियो से उसमें दी गई शिक्षाओं से लाभ उठाने का आप भरपूर प्रयास करिएगा ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से सुरक्षित रह सके। यहाँ पर बात करूंगा मैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि आपका समय है, आपका राशि के मालिक आपके सिर पर बैठकर आपकी चंद्र कुंडली में बैठकर लाभ पहुंचा रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। परिवारजनों का भी आशीर्वाद आपके साथ है, माता का आशीर्वाद आपके जीवन में, नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता, कंप्लीट एग्जाम में सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट, या अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर जैसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पिता का आशीर्वाद इस मामले में भी आपकी हेल्प करेगा, तो माता और पिता दोनों का आशीर्वाद लेकर आप इस लाभ को प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। यहाँ जो स्टूडेंट है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, माँ बाप ध्यान में, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे चलकर वो अपना अच्छा करियर कैसे बना सकेंगे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ जैसा कि समय चल रहा है तो थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का प्रयास करिएगा, अपना कोई ब्लड से संबंधित कोई परेशानी आपको ना हो, इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आपका जीवन साथी आपके जीवन में
खुशियां खोलने का भरपूर प्रयास कर रहा है, मगर जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई उनके लिए अवसर भी बनाता हुआ नजर आ रहा है कि शीघ्र ही आपकी शादी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। बात करूंगा, अचानक से लाभ होने की संभावना आपके जीवन में इस समय पर बनती है, तो आप जो भी करें सोच समझ कर करें और लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करें। बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली में बैठकर आपको पूरा पूरा आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु आपका अपना ग्रह कमजोर होने के कारण आपके आत्मबल में कमी लाएगा। मानसिक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपका बाहुबल निश्चित रूप से आपके लिए शुभ संदेश दे रहा है, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू, सफलता, कंट्री एग्जाम में सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट, या अगर आप ऑलरेडी नौकरी में तो नौकरी या प्रमोशन जैसे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। किंतु साथ ही यहाँ पर आपके घर पर और आपके कार्यस्थल दोनों ही जगह पर आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। साथी कर्मचारियों से अपनी बॉस से सावधान रहिएगा, और अगर आप जरूरत से ज्यादा कोई आपको आपको परेशान कर रहा है तो आप बिना किसी यज्ञ के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों से लाभ उठा सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मदद लेकर। किंतु यहाँ आपने अपनी जन्म कुंडली के अनुसार नीलम रतन की अंगूठी अवश्य धारण करनी है। अपने आप को मजबूत करने के लिए भाग्य रतन की अंगूठी अवश्य धारण करनी है, कर्मस्थल की अंगूठी भी धारण करनी है, और आमन्नी को भी मजबूत करना है आमन्नी की अंगूठी पहनकर। ये सारी चीजें मजबूत होंगी तो बाकी सब चीजों को तो आप आसानी से संभाल सकते हैं। तो आप अब सदैव अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, मजबूत रखिएगा। और यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पथरी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका भी बारे में भी आप सावधान रहिएगा। स्टूडेंट अपने गुस्से को कंट्रोल में करें, ये आपका कार्य गुस्सा करना नहीं है, आपका कार्य पढ़ाई करना, अपने फोकस को पढ़ाई लिखाई में केंद्रित करिए ताकि आगे चलकर आप अपने करियर को बना सकें और अपने परिवार का सही प्रकार से पालन पोषण कर सकें। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरी सलाह है कि आप कोर्ट कचहरी के झगड़ों से दूर रहें, वरना आपको बिना वजह परेशानी हो सकती है। किसी की झूठी जमानत देना, किसी की झूठी गवाही देना आपके लिए परेशानी का भारी सबब बन सकता है, तो इससे विशेष रूप से सावधान रहिएगा। यहाँ बात कर रहा हूँ मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि समय चल रहा है, आपका अपना ग्रह आपकी राशि से 12th होकर बैठ गया है, यानी आपको कमजोरी दे रहा है, आपके आत्मबल में आपकी मानसिक स्थिति से आपको कमजोर बना रहा है। सावधान, आप जितना मजबूत होंगे उतना ही आप विपरीत परिस्थितियों का सही तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको संभावना मिलती हुई नजर आ रही है, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू, सफलता, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट, या अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो कोई मनचाहा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर जैसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। परिवारजनों का पूरा पूरा सहयोग इसमें रहेगा और आप इस बात से लाभ उठा सकते हैं, उनकी मदद लेकर आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। किंतु भाई बहनों से उलझने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, माता के क्रोध से भी थोड़ा सा बचें, माता का आशीर्वाद हालांकि अवश्य लें। और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं किसी यात्रा की संभावना को तलाश रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कोरोना की इस महामारी में मुलतवी करें इन तरह के थॉट्स को, और घर में ही रहकर अपने मन को पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें और घर बैठकर अपने करियर को बनाने का प्रयास करें। जिन बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, बिना किसी से किसकी तारी नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं सभी मीन राशि वाले व्यक्तियों से कहूँगा यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, इसका विशेष रूप से ख्याल करें। सांस से संबंधित प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उसका भी विशेष रूप से ख्याल करें। और जो लोग जिनकी रिश्तों की बात चल रही थी, तो परिवारजनों की मदद से उनकी रिश्तों की बात मैच्योर हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो परिवारजनों के सहयोग से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां प्रवेश करेंगी, इस बात की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपका कमजोर होना और आपके परम मित्र चंद्रदेव का कमजोर होना आपकी कुंडली में, साथ ही साथ मंगल देवता का भी थोड़ा सा सही जगह पर जाके ना बैठना आपको कमजोर कर रहा है, तो आप अपनी राशि के हिसाब से पुखराज की अंगूठी, मोती की अंगूठी और मंगल की अंगूठी अवश्य धारण करें।
आमंदनी में बैठे हुए राहु महाराज भी आपकी आमंदनी के देवता शनिदेव आपकी आमंदनी बैठकर आपको लाभ पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, आपकी आमंदनी को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद अवश्य लेते रहिएगा। ऐसी मैं आपको सलाह देना चाहता हूं और आज का दिन आप सभी लोगों के लिए शुभ हो, इस मंगल कामना के साथ आज के इस राशिफल को यहीं पर समाप्त करता हूं। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही थी, क्योंकि कोरोना काल है, हम जहां स्टूडियो बंद है जहां हमारी रिकॉर्डिंग होती थी, तो हमें ओपन एयर में बैठकर आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वेंडर्स की आवाज़ जो रेडी ठुल्ली वाले हैं आसपास से जो गुजरते हैं उनकी आवाज़ तेज होती है, तो हो सकता है वो आपको कुछ डिस्टर्ब कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।